खबर शामिल करते हैं डेरकी शहर से। हमारे नुमाइंदे वहाब शम्स की रिपोर्ट में डेरकी टेक्निकल कॉलेज मैनेजमेंट की नायली 43 दिन से कॉलेज को ताला तालिब इल्मों की तालीम दाव पर लागी। वालदेन सख्त परेशान, डिप्टी कमिश्नर घोट की भी खामोश। तमाशाई तफसीलात के मुताबिक डेरकी रोड टेक्निकल कॉलेज मैनेजमेंट और उस्तादा के दरमियान होने वाले मुतालबात पूरे ना हो सके। दोनों के दरमियान मुतालबात पूरे ना होने की वजह से 300 से ज्यादा तालिब इल्मों की तालीम तबाह होने लगी। तालीम तबाह होने की वजह से तालिब इल्मों के वालदैन भी सख्त परेशान। इस दौरान तालिब इल्मों ने कॉलेज के गेट पर एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि कॉलेज को ताला किसी मसाइल का हल नहीं, कॉलेज को ताला लगाने से हमारी तालीम को ताला लगाया जा रहा है। कॉलेज को ताला लगाने से हमारे वालदैन भी सख्त परेशान हैं। अगर मैनेजमेंट या उस्तादा के दरमियान कोई इशू है तो इनको चाहिए कि वो टेबल पर बैठकर हल करे। कॉलेज को ताला लगाना मसले का हल नहीं। इस दौरान एहतजाज में बैठे उस्तादा ने बताया कि मैनेजमेंट की रंजिश हमारे साथ है, मगर इसमें तालिब इल्मों का क्या कसूर है कि कॉलेज को ताला लगाकर तालिब इल्मों को तालीम मुतासर की जा रही है। ये कहा का कानून है। मजीद कहा, इस कॉलेज को फी अदारों से फंडिंग मिलती थी, मगर अफसोस के मैनेजमेंट अदारे को बेहतर बनाने की बजाय पीछे लगी रहेगी। मैनेजमेंट जितने भी कॉलेज के गेट को ताला लगा दे, मगर ये एहतजाज कैंप उखाड़ने वाले नहीं। जब तक मैनेजमेंट गेट से ताला नहीं खोलती, उस वक्त ये एहतजाजी कैंप लगा रहेगा।